हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ए टू जे टीच माइंड। दोस्तों, चैनल पे पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे होगा कि सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहेगा। तो फिलहाल दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जो सिखाऊंगा कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे जब उसका ऊंचाई दिया रहे और आधार दिया रहे तब। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों जो दे दिया है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे पहले। ठीक है दोस्तों, तो इसका ऊंचाई दिया है, इसको लिखेंगे हल में। ठीक है, जो दिया है वो लिखेंगे उसको ऊंचाई। किसका ऊंचाई दोस्तों, विषमबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर लिख लेंगे। ठीक है, और आधार कितना है, आधार है 5 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे आधार बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, अब पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक आकृति बनाते हैं जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों क्या है, ये एक विषमबाहु त्रिभुज है। तो विषमबाहु त्रिभुज क्या होता है, प्रत्येक भुजा असमान होता है। ठीक है, तो दोस्तों एक विषमबाहु त्रिभुज बनाता हूँ जिसका प्रत्येक जो भुजा होगा असमान होगा, राइट। तो दोस्तों देखिए, ये हो गया दोस्तों एक विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, मतलब इसका मान कुछ और होगा, मतलब सबका मान अलग अलग होगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ जो है आपका आधार है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले दोस्तों क्या करेंगे, इसको नाम दे देते हैं, एक इसका नाम देते हैं ए बी सी। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ आधार क्या है, 5 सेंटीमीटर, तो जो दिया है उसको लिख लेंगे। यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे, राइट। कहाँ से कहाँ की लंबाई, यहाँ से यहाँ की लंबाई। और ऊंचाई कितना है, 16 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से इस पे लंब डालेंगे। देखिए ये लंब, ये 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है, यही ऊंचाई दो दिया है, 16 सेंटीमीटर दिया है, कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे यहाँ 16 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, आधार दिया है और ऊँचाई दिया है, तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो दोस्तों विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 आधार। ठीक है, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई। ठीक है, अब दोस्तों ये हो गया आपका फार्मूला। अब जो दिया है इसमें फिट कर देंगे इस फार्मूला में, तो जो जो दिया है वहाँ लिख देंगे। देखिए ये 1/2 तो रहेगा सेम टू सेम, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आधार यहाँ से यहाँ की लंबाई कितना है, 5 सेंटीमीटर, आधार जो कि दिया है 5 सेंटीमीटर, लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये गुना लिखेंगे, ऊंचाई का मान कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन करेंगे, यहाँ इसको सॉल्यूशन करेंगे। अब देखिए दोस्तों, ये 2 कट जाएगा, ये 2 8 16। ठीक है, तो कितना आ गया दोस्तों, ये 5 और 8, तो 5 सेंटीमीटर और गुने 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जब इसको गुना करेंगे दोनों को तो 5 8 40, तो हो गया दोस्तों 40, और सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो विषमबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो आ गया दोस्तों 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया दोस्तों आपको, इस तरह से आप विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि किसी भी प्रकार के कन्फ्यूजन है तो कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब मत कीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।